अब उसको थाने में वहाँ पे मुर्गा बना रखा है, मतलब वो बताओ पंडितों का लड़का है, प्याज लहसुन भी नहीं बनता उनके घर पे, उसको पुलिस वालों ने मुर्गा बना रखा है। क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी वजह से किसी का टाइम थोड़ी ना वेस्ट होता है, मेरी वजह से तो चिंटू हुआ है, 2 साल का है घर पे है वो। मैम एक बात पूछनी थी, हिमांशु नाम है मेरा, मैं ये बोल रहा था कि आप अभी आपकी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पे या अभी बस ऐसे ही आए हो? चलान कर दोगे आप मेरा? हेलमेट नहीं लगा रखा मैंने। चलान हम क्यों करेंगे, ट्रैफिक वाले करेंगे चलान। आप नहीं करते? हम पुलिस वाले, हम चलान नहीं करते, ट्रैफिक वाले चलान करेंगे। मेरे पास ना इंश्योरेंस भी नहीं है, पॉल्यूशन भी नहीं है। तो हम करके देंगे। नहीं आप करके नहीं दोगे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चलान कर दो मेरा। मैं चलान क्यों करूँगी? कुछ भी रिसिप्ट काट दो ताकि वो आगे जाके 10,000 रुपये, मतलब बहुत महंगा हो गया ना। हजरतगंज थाने जा रहा था मैं, था ही नहीं। नहीं नहीं था नहीं, तो खरीद लूंगा मैं, इसलिए तो मैं आपके पास आया, आपके पास कि पहले आप कटवा लो चलान। चलान भी नॉर्मल वाला, कि आप हेलमेट का मत काटो, एक दिन में एक ही चलान हो सकता है। अब आके मुझे कोई रोकेगा ना तो मेरे को बोलेगा नहीं, मैं आपको उसको रिसिप्ट दिखा दूंगा ना। अच्छा आप नहीं काट सकते, आप समझ नहीं रहे, मैं आपको आप मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर मैं आपसे कटवा लूँगा छोटा सा, पार्किंग का कटवा लेता हूँ, नो पार्किंग का, तो आगे जाके अगर कुछ भी होता है। अच्छा मेरा दोस्त है, उसका केस हो गया तो वो पुलिस थाने में है हजरतगंज। तो नहीं मैं वकील नहीं हूँ, दोस्त है ना मेरा, तो छुड़वाने जा रहा हूँ। बुला नहीं रहा वो, तो थाने में है ना। हाँ छुड़वाने मुझे पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो उसका केस हो गया था, क्रिकेट मैच देखने गया था, उसने झंडे को किस कर दिया तो उस पर केस फाइल कर दिया। तो झंडे पे वो झंडा एक लड़की के गाल पे बना हुआ था, वो जो करते ना इंडिया इंडिया, तो इसलिए उसने फिर वो कर दिया था। हाँ अब उसको थाने में वहाँ पे मुर्गा बना रखा है, मतलब वो बताओ पंडितों का लड़का है, प्याज लहसुन भी नहीं बनता उनके घर पे, उसको पुलिस वालों ने मुर्गा बना रखा है। बनाना ही है तो उसका ग्रीन सैलड बनाओ, सीजर सैलड बनाओ, लेकिन उन्होंने मुर्गा बना रखा है। उनको घर वाले को पता लगेगा। अच्छा नाम हटाना उसका, अब पैसे मांग रहे हैं वो जो भी थाने वाले हैं। मैम वो हमसे तो पैसे मांग रहे हैं, अब हम लड़के हैं पैसे दे सकते हैं, उसके अलावा और क्या देंगे? वो मांग रहे हैं, मैंने नहीं बोला, डील तो ऐसी ही होती है। हाँ जी पैसा तो देके आएगा, हाँ तभी छोड़ेंगे ना वो। हाँ जी चल तू निकल, अब मेरा टाइम मत वेस्ट कर। मैडम मैं सुनो चलान नहीं, अगर मेरे को वैसे तो मतलब कोई रोकेगा नहीं अभी फिलहाल मेरे को, अगर आप नंबर दे सकते हो मेरे को, अगर कोई होता है मैं आपसे बात करवा दूंगा ना, कि आपका नाम प्रियंका सिंह, मैं आपसे बोल दूंगा कि उनसे ही मेरी बात हुई हुई है, आप उनसे बात कर लो, स्टाफ की, या आप मुझे जानते हो, आप बोल देना ना मैं जानता हूँ हिमांशु नाम है मेरा। मैं ड्यूटी में, तो ड्यूटी में भी घंटा डाल रहा है ना, क्या कर रहा हूँ टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं मेरी वजह से किसी का टाइम थोड़ी ना वेस्ट होता है, मेरी वजह से तो चिंटू हुआ है, 2 साल का घर पे है। थोड़ा थोड़ा मजाक कर रहा हूँ मैं, और कान पे इतनी जोर से बल्ला बजेगा ना, बैठने से पहले सोचेगा कुर्सी का कौन सा एंगल सबसे बढ़िया है। आप दे दो ना नंबर, दे दो आप मेरे को, ताकि मैं बात करवा दूँ, ज्यादा उसके कुछ नहीं। उस थाने में तू भी दोस्त के साथ मुर्गा बना पाए, आप तो मुझे अलग थाने में डालोगे ना, आप तो मुझे अलग थाने में। अच्छा मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना, आप मेरे को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? टाइम तो वेस्ट कर रहा है ना मैम, इतना आज अच्छा टाइम बचा के क्या करोगे? बात कर रहा है, इतने जाके दोस्त को छुड़वा ले, चलान कटेगा आगे जाके, चलान कटवा। नहीं चलान नहीं कट रहे तभी तो चलान कटेगा, आप बस आप मेरे वो थोड़ी वो बोल देना, मैं आपसे बात करवा दूंगा उनकी, अगर मेरे को कोई रोकता है ना, दूर है जगह, आपसे बात करवा दूंगा मैं। जा मेरा टाइम मत वेस्ट कर, सर का फोन आ रहा है, मैं तो फिर भी हल्के में ले रही हूँ, सर आते ही सीधा अंदर कर देंगे, सुनेंगे नहीं तेरी बात पूरी। जब तक सर नहीं आ जाते तब तक बात कर लेते हैं। सर नहीं आ रहे तो मेरे साथ क्यों पर्सनल हो रहा है? मैं पर्सनली हो सकता हूँ, आपके साथ फिजिकल तो हो नहीं सकता, आपने बोला ना मैंने। हाँ ना सर आ जाएंगे, सर का कॉल आ रहा है मेरे पास। तो फिर क्या करेंगे? थाने में डाल देंगे। आप भी साथ में डालोगे ना उनके? मतलब मेरी तो यही डिमांड थी कि आप मुझे रिमांड पे लो। बहुत तेज हो रहे हो, इसीलिए मेरे हाथ से रिमांड चाहिए। हाँ मानुस चलान तो आप कर नहीं रहे ना, मैं रिमांड लूंगी पर। अच्छा फिर आप मेरे को रिमांड ही ठीक, मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ आप बात ही करवा देना मेरी। किससे करवा दूँ मैं? मेरे को रोकेंगे? मेरे को कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं है, गाड़ी मेरी ही है ये।
रोकेंगे आप मेरे, बस वो कर देना। पहले सोचता ना इस बात को। अच्छा नहीं दोगे, नंबर नहीं मिल सकता? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। जाऊं फिर मैं? A few moments later. मैम सुनो, मैं ना एक्चुअली मजाक कर रहा था। मैं एक्चुअली ना, मैं यूट्यूबर हूँ, आपके साथ मजाक कर रहा था। आपको अगर अलाउ, मतलब आपत्ति ना हो तो, मतलब मैंने ये वीडियो फुटेज है हमारी, तो हम यूज़ कर सकते हैं वो? मैं आपको हंसा रहा था बस थोड़ा सा। नहीं, आप, मुझे पता आप कितनी ड्यूटी करते हो, कितनी टेंशन में रहते हो। अच्छा अच्छा, कितने टाइम से ड्यूटी करते हो आप यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को ड्यूटी करते। मतलब आप थकते नहीं हो इतने टाइम पे? 12 घंटे की शिफ्ट होती है। ओके मैम, मेरे को आगे कोई रोकता है ना तो मैं आपका नाम ले दूंगा, ठीक है? क्या बकवास कर रहा तू? मरवाएगा क्या? कोई प्रॉब्लम, मैं तो आया हूँ ना आपके पास। अपने आप वो नहीं संभाल, ठीक है? ओके ओके ओके।